बीए फर्स्ट ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो है अलेक्जेंडर पॉप की पोएम फ्रॉम एसे ऑन क्रिटिसिज्म के ऊपर। और जैसा कि हम देख रहे हैं, यह एक एसे है, यानी एक निबंध है। और यह निबंध लिखा गया है क्रिटिसिज्म के ऊपर। क्रिटिसिज्म यानी समालोचना। सामान्यतः हम समझते हैं कि क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, लेकिन समालोचना से तात्पर्य है विश्लेषण किसी साहित्य कार्य या किसी भी व्यक्ति के अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के गुण और अवगुणों को बाहर सामने लाना, वो भी न्यायसंगत तरीके से। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अलेक्जेंडर पॉप की पोएम है, तो ये एक ऐसे है। ऐसे सामान्यतः जो निबंध होता है वो प्रोज में यानी गद्य में लिखा जाता है, लेकिन ये वाला जो ऐसे है वो पद्य में यानी पोएट्री के रूप में लिखा गया है। और इंग्लिश के अंदर केवल अलेक्जेंडर पॉप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने निबंध है वो भी पोएट्री में यानी वर्स में या फिर काव्य में या फिर पद्य में लिखे हैं। तो मुख्यतः इस निबंध के अंदर दो बातें सामने लाई है अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा। एक तो पहली जो बात है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लिटरेरी क्रिटिक्स, किसी भी साहित्यिक समालोचक को, जब किसी साहित्य कार्य का जब विश्लेषण कर रहा हो, जब उसकी समालोचना कर रहा हो या उसकी क्रिटिसिज्म कर रहा हो, उसका एनालिसिस कर रहा हो, इंटरप्रिटेशन कर रहा हो, यानी उसका विश्लेषण कर रहा हो, तब उसको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो किसी भी साहित्य कार्य के गुण और अवगुण पर बराबर ध्यान दे और वो उसी भावना से उसको महसूस करे जिस भावना से खुद कवि ने या खुद लेखक ने उस साहित्य कार्य को लिखा है। छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर सकता है, ये उसका करना है। और दूसरी बात, जो बात इसने मुख्यतः जिसको पॉइंट आउट किया है, वो कहा है कि किसी भी वस्तु या किसी भी इमारत या किसी भी व्यक्ति की जो वास्तविक सुंदरता है वो किसी उसके एक भाग पर आधारित नहीं होती है, बल्कि उसके सारे भाग मिलाकर ही उसकी पूर्ण सुंदरता प्रदान करते हैं। जैसे एक व्यक्ति की केवल नाक सुंदर हो तो जरूरी नहीं है कि पूरा व्यक्ति सुंदर हो, और किसी की आंखें सुंदर है तो ये भी आवश्यक नहीं है कि आंखों की वजह से ही वो व्यक्ति पूरा सुंदर लगे। तो आइए हम देखते हैं कि इस ऐसे के अंदर क्या बताया है अलेक्जेंडर पॉप ने। तो पहले हम देख लेते हैं उन क्वेश्चंस को जिनके आंसर हमको इस नोट के अंदर मिलेंगे। तो सबसे पहले, गिव पॉप्स आइडियाज अबाउट लर्निंग और नॉलेज, यानी ज्ञान के बारे में अलेक्जेंडर पॉप के क्या विचार है। इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। हाउ शुड अ क्रिटिक बी अकॉर्डिंग टू पॉप, और एक समालोचक को, एक समीक्षक को अलेक्जेंडर पॉप के अनुसार कैसा होना चाहिए, ये इसमें बताया है। अब इसका उत्तर शुरू करते हैं हम। अलेक्जेंडर पॉप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ न्यू क्लासिकल पीरियड। तो अलेक्जेंडर पॉप न्यू क्लासिकल पीरियड के महानतम कवियों में से एक है, और न्यू क्लासिकल पीरियड जो कि 1700-1745 तक चलता है, इसी को ही हम पॉप के नाम पर, अलेक्जेंडर पॉप के नाम पर ही इसको पॉप्स पीरियड भी कहते हैं, या फिर इसको हम अलेक्जेंडर पॉप का काल भी कहते हैं। इस प्राइमरी वर्क का और अलेक्जेंडर पॉप के जो मुख्य कार्य वो हैं ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, जिसका हम हिस्सा आज पढ़ेंगे, रैप ऑफ द लॉक, यह एक पोएम है, और डंसियर्ड और ऐसे ऑन मैन, ये कुछ मुख्य कार्य हैं जो कि अलेक्जेंडर पॉप ने लिखे हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्या है इस पोएम के अंदर? तो द पोएम डिस्कसेस अपॉन द पॉप्स व्यू ऑन नॉलेज। तो ये जो कविता है वो नॉलेज यानी ज्ञान के ऊपर अलेक्जेंडर पॉप के विचारों पर चर्चा करती है। एंड अ क्रिटिक, एक समालोचक के ऊपर ज्ञान, और एक समालोचक, एक समीक्षक के ऊपर अपने विचार प्रकट करती है। ही सेज, वो कहता है यानी अलेक्जेंडर पॉप कहता है, दैट अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, कि एक थोड़ा ज्ञान है वो एक खतरनाक वस्तु है। थोड़ा ज्ञान हमेशा खतरनाक वस्तु होता है। इसलिए ही एडवाइजेस, वो सलाह देता है रीडर्स, पाठकों को, टू ड्रिंक पीरियन स्प्रिंग, कि वो पीरियन के झरने को यानी ज्ञान के झरने को पिए। और पीरियन स्प्रिंग क्या है? होली स्प्रिंग ऑफ नॉलेज, ज्ञान का पवित्र झरना। तो इसको पिए वो लार्जली यानी बड़ी मात्रा में पिए, यानी थोड़ा थोड़ा ना पिए, क्योंकि थोड़ा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए ज्ञान के झरने का सेवन करें तो लार्जली बड़े मात्रा में करें। नॉन इन ड्राफ्ट, मतलब घूट में नहीं, कम मात्रा में नहीं, बिकॉज क्योंकि शेलो ड्राफ्ट्स, क्योंकि जो शेलो, जो छिछली कम मात्रा की जो घूट होती है, इंटॉक्सिकेंट माइंड वो व्यक्ति के दिमाग को नशीला बना देती है।
वेरिज जबकि ड्रिंकिंग लार्जली जबकि बड़ी मात्रा में पीना सोबर्स रीडर यानी पाठकों को सोबर कर देता है, गंभीर बना देता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी चीज़ को जब हम सीखें तो उसको कम मात्रा में न सीखें, उसको बड़ी मात्रा में सीखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कम मात्रा में सीखते हैं तो व्यक्ति इससे घमंड महसूस करता है और स्वयं को बहुत ही ज़्यादा विद्वान समझने लग जाता है। जबकि ज़्यादा सीखा हुआ या पूर्ण रूप से सीखा हुआ व्यक्ति हमेशा विनम्र होता है और उसके अंदर घमंड नहीं होता। इसलिए ज्ञान के झरने को थोड़ा न पिए, छोटे छोटे घूंट में न पिए, बल्कि बड़ी मात्रा में पीने की कोशिश करें। आगे बताया है, अ पर्सन बीइंग एनकरेज्ड, एक व्यक्ति उत्साहित होकर विद इनिशियल सक्सेस इन लर्निंग, ज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर, मे थिंक हिज नॉलेज कंप्लीट, हो सकता है कि वो अपने ज्ञान को पूर्ण मान लग जाए। द सेम, बिल्कुल उसी तरह जैसे माउंटेनियर जैसे एक पर्वतारोही होता है, व्हेन माउंटेन ऑन वन माउंट, जब एक पहाड़ पर चढ़ता है वो थिंक्स इट द एंड ऑफ द क्लाइंबिंग, तो वो इसे ही अपनी क्लाइंबिंग अपने आरोहण अपनी चढ़ाई का एक अंत मान लेता है। बट व्हेन जब ही सीज वो देखता है द एंडलेस रेंज ऑफ माउंटेन्स, जब वो पहाड़ों की अनंत श्रृंखला देखता है, आफ्टर माउंटिंग द फर्स्ट वन, पहले पर्वत पर चढ़ने के बाद जब वो पर्वतों की अनंत श्रृंखला देखता है तो ही गेट शॉक्ड, तो वो चौंक जाता है, द एंडलेस एक्सपेंस यानी इस पर्वत श्रृंखला के अनंत विस्तार को देखकर चौंक जाता है। बट इट इज़ रियली हिज स्टार्टिंग, बल्कि यह तो उसकी एक शुरुआत है ऑफ अ लॉन्ग जर्नी ऑफ लर्निंग, ज्ञान के क्षेत्र की लंबी यात्रा की यह एक शुरुआत है। इस पैराग्राफ में जो तुलना बताई गई है वो एक पर्वतारोही के आरोहण की प्रक्रिया को ज्ञान सीखने यानी ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया से तुलना करके बताई है। तो इसमें ऐसा बताया कि जब एक व्यक्ति एक पहाड़ के सामने खड़ा होता है तो उसको केवल वो पहाड़ दिखता है और मेहनत करके जब उस पहाड़ पर चढ़ने लगता है तो उसको लगता है कि यह पहाड़ ही उसकी उसका अंतिम लक्ष्य है और वो बड़ी मेहनत के साथ चढ़ता है। लेकिन जैसे उस पर्वत के शिखर पे चढ़ता है वो, तो उस वहाँ से उसको अनंत संख्या में पहाड़ों की एक लंबी श्रृंखला नजर आती है और जिसको देख के वो चौंक जाता है, क्योंकि यात्रा के प्रारंभ में वो केवल इसी पहाड़ को अंतिम पहाड़ मान रहा था, लेकिन उस पहाड़ पर चढ़ने के बाद उसके जैसे ही कईयों सैकड़ों हजारों पहाड़ उसको नजर आते हैं और वो चौंक जाता है। तो इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी चीज़ को सीखने लगता है तो सीखने के समय शुरुआती जो सफलता है उस सफलता को लेके वो उत्साहित होता है, लेकिन जैसे ही उस क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उसको ज्ञान और ज़्यादा बड़ा और बड़ा प्रतीत होता है, देखने को मिलता है, और वो उसको देखकर चौंक जाता है कि अभी तो उसने कुछ भी नहीं सीखा है। इन द सेकेंड पार्ट, और दूसरे पार्ट में, पॉप डिस्कसेस ऑन क्वालिटी ऑफ अ क्रिटिक, एलेक्जेंडर पॉप एक समीक्षक के गुणों पर चर्चा करता है कि एक समीक्षक एक क्रिटिक को कैसा होना चाहिए। तो बताता है, अ परफेक्ट जज, एक जो निपुण निर्णयकर्ता होता है, जो समीक्षक होता है लिटरेरी वर्क साहित्य कार्यों का, विल नॉट सीक टू फाइंड, तो वो प्रयास नहीं करता है टू फाइंड स्लाइट फॉल्ट्स, छोटी छोटी गलतियां ढूंढने की कोशिश नहीं करता है इन द वर्क उस साहित्य कार्य में। एक जो कुशल निर्णयकर्ता होता है वो किसी साहित्य कार्य की समीक्षा करने के लिए उसको पढ़ता है तो उसमें छोटी छोटी गलतियों को ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। एंड इंस्टेड, इसके बजाय, विल ट्राई टू फील इट, वो इस साहित्य कार्य को महसूस करने की कोशिश करता है विद द सेम स्पिरिट, उसी भावना के साथ विद विच द ऑथर हैज रिटन इट, बिल्कुल उसी भावना के साथ जिस भावना के साथ लेखक ने इसको लिखा है उस भावना के साथ ही वो इसको महसूस करने की कोशिश करता है। इन सम लो स्टैंडर्ड वर्क्स, और कुछ साहित्य कार्य निम्न स्तर के भी होते हैं यानी उनमें गुणवत्ता नहीं होती उतनी, तो लो स्टैंडर्ड निम्न मानक वाले जो साहित्य कार्य हैं, कोई पोएम है, कोई उपन्यास है, कोई नाटक है, वहाँ पर क्रिटिक में नोटिस फॉल्ट, वहाँ हो सकता है कि वो समीक्षक गलतियों को नोटिस कर ले, देख ले, बट ही मे रिमेन पैसिव ऑन दिस, लेकिन वो इन गलतियों पर निष्क्रिय बना रह सकता है यानी उन गलतियों को अनदेखी कर सकता है। बट सर्टेनली, निश्चित रूप से, ही कैन नॉट ब्लेम इट्स राइटर फॉर दिस, लेकिन निश्चित रूप से वो इन गलतियों के लिए इसके लेखक पर दोष नहीं दे सकता है। दोष इसलिए नहीं दे सकता है क्योंकि महान कार्य जो महान साहित्य कार्य हैं महान साहित्यकार हैं उन्होंने भी अपने साहित्य कार्यों में गलतियां की हैं, फिर भी वो आज इतने प्रसिद्ध हैं। और यहाँ तक कि दो साहित्यकारों के बीच में भी
विरोधाभास हो सकते हैं, प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, मतभेद हो सकती है। तो इसलिए कोई भी क्रिटिक किसी भी एक राइटर को महान या कमतर साबित नहीं कर सकता है। इसलिए यदि उसको ऐसी गलतियाँ मिल जाती है फिर साहित्य कार्य में, तो वहाँ पर वो निष्क्रिय हो जाए, न कि इसके लेखक को इसका दोष दें। इन लिटरेरी वर्क साहित्य कार्यों में लाइक अ फीमेल ब्यूटी, जैसे एक महिला की सुंदरता होती है, उसी प्रकार एक साहित्य कार्य में भी नो इंडिविजुअल पार्ट, कोई भी एक हिस्सा अलोन अकेला कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स होल ब्यूटी, इसकी पूर्ण सुंदरता के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है। बट इट इज़ फुल रिजल्ट ऑफ ऑल पार्ट, बल्कि उसकी सुंदरता तो उसके सभी भागों का एक पूर्ण परिणाम होती है। डेट मेक इट मोस्ट ब्यूटी, जो कि इसको एक बड़ी सुंदरता बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेंट कैथीड्रल डोम ऑफ रोम, रोम का जो सेंट कैथीड्रल जो चर्च है उसका डोम यानी जो गुंबद है, तो रोम का जो शानदार कैथीड्रल चर्च का जो गुंबद है वो बड़ा ही सुंदर है, लेकिन केवल उसका एक भाग यानी केवल उसकी ऊंचाई या फिर उसकी चौड़ाई या फिर उसकी लंबाई इसको सुंदर नहीं बनाते हैं, बल्कि ये सभी चीज़ें आपस में मिलकर उसे सुंदर बनाते हैं। उसी तरह एक महिला की सुंदरता में भी सभी चीज़ों का बराबर योगदान होता है, और साहित्य कार्य के अंदर भी कोई एक हिस्सा उसकी सुंदरता के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि पूरे जो कार्य का जो लेखन है या फिर जो सभी जो तत्व हैं वो सभी मिलाकर उसको सुंदर बनाते हैं। दस इस प्रकार पोप इन द पोएम, अलेक्जेंडर पोप इस कविता में टॉक्स अबाउट द एंडलेस एक्सपेंस ऑफ नॉलेज, इस कविता में जो ज्ञान का जो एंडलेस जो अनंत जो एक्सपेंस जो विस्तार है उस विस्तार के बारे में बात करता है, और क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू क्रिटिक, और एक जो सच्चा समीक्षक है उसके गुणों के बारे में बात करता है। तो आप सभी को धन्यवाद, ये नोट यहाँ पूरा होता है और आप इसको अच्छे से स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।